तो जैसे जैसे शाम हुआ वैसे वैसे ठंड बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी शाम का टाइम, हस्बैंड जी से पूछे क्या खाना बनाना है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को भी नहीं। तो मैं बोली कि मछली मंगाए, मछली फिस्ट खा लेते क्योंकि आज वेनसडे और शनिवार थे। फिश करी बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम रोटी और चावल बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, परी ओढ़ ली है अपना शॉल, और कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। हाँ डॉक्टर के पास जाने वाली हो ना? हाँ कल जाएंगे। हाँ तो वही ओढ़ के जाऊंगी। ठीक, हाँ चलो दादी को दिखाओ कि दादी देखिए मेरे लिए पापा लाए हैं। जला के सेक रही है। बोलो परी क्या कर रही हो? एलकेजी वाले एलकेजी वाले बच्चों हाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ो लेकिन आवाज मत करना। हाँ 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 आवाज मत, आईफोन आ रहा है किसी का। हाँ अरे वो मेरा फोन था। ठीक है ठीक है। चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और पीछे सिंक के बर्तन दिख रहा होगा, तो अभी धोने जा रहे थे। अभी छत पर से कपड़ा लेकर के आए हैं। धूप तो नहीं कर रहा है लेकिन 3-4 दिन से डला हुआ था तो ठंडा है लेकिन सूख गया है। और अभी परी को खाने का मन था मैगी, तो ये देख सकते हैं आप रैपर, ये पैन में मैगी बनकर हो चुका है रेडी। और अब परी कर रही है देखिए कुछ कुछ। क्या हो रहा है लल्ला? ओ माखन निकाल रही हो? हाँ, क्या बोलूं? अच्छा करके दिखाओ कैसे निकालती हो। ओ यशोदा मैया की तरह ये माखन निकाल रही है। अरे वाह, कौन सिखाया मेरे लल्ला को? कौन सिखाया तुमको? देखो पता है कैसे बनता है? ऐसे पेस्ट करना और फिर ना इसको ऐसे को वगैरह ना फिर क्या करना है ना, इसको ऐसे पकड़ना है, दूर जाना है और ऐसे ऐसे हिल डोल करना है। वो हिल डोल करना है वैसे वैसे वो तो मक्खन निकलने लगेगा वहाँ से। तो वहाँ तो मक्खन नहीं निकल रहा है मेरे लल्ला। मक्खन नहीं निकल रहा है। अरे निकलेगा, पहले मैं इसको पानी डाल दूँ। ठीक है पानी से मक्खन भी तो अच्छा होता है ना पानी से। ठीक, तुम्हारा मैगी बन के रेडी हो चुका है। हाँ चलो दे दे। ठीक है मैगी निकाल लूँ तुम्हारा प्लेट में? ठीक। तो जैसे जैसे शाम हुआ वैसे वैसे ठंड बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी शाम का टाइम, हस्बैंड जी से पूछे क्या खाना बनाना है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को भी नहीं। तो मैं बोली कि मछली मंगाए, मछली फिस्ट खा लेते क्योंकि आज वेनसडे आ सकते थे। तो अभी फिश मंगवा लिए थे पापा जी से और ये हम मसाला फ्राई कर रहे हैं। गाइस ये मैं मसाला फ्राई कर रही हूँ, इसमें टमाटर कट करके डाल दिए और ये लिया है, इसमें सलाद वगैरह भी कट करना है। और ये मैं फिश फ्राई करके रखी हूँ, ये धनिया पत्ता जो कि अभी चून करके काट के फिश में फिश करी में डालूँगी। उसके बाद चावल और रोटी बनाना है, बाकी पड़ी अभी मतलब है। और ठंड की कमी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा, 4-4 5-5 कपड़े पहन लो फिर भी ठंडी लग रही है। पापा आग जला के रूम में बैठे हुए हैं, पड़ी खेल रही है, बाकी हम यहाँ पे अपना किचन का काम फिनिश कर रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। ये हमारा फिश करी बन के रेडी हो चुका है। अब हम रोटी और चावल बनाने जा रहे हैं। और हम परी के लिए बना रहे थे मटर और प्याज का पापड़, तो ये वेस्ट हो गया। और ये देखिए परी क्या कर रही है मेरे साथ, खेल रही है मूली और आटा से, बोल रहे रूम में जाने के लिए तो जा ही नहीं रही है। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो रात में खाना उना खाते उते लेट हो गया, तो खा पी के हम लोग सो गए थे। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा, उठ गए हम लोग, तैयार वगैरह हो गए ड्यूटी जाने के लिए। तो आज बृहस्पत है तो सब साफ़ सुथरा, कल मछली बना देता, साफ़ सुथरा करिए डॉली, इसलिए नाश्ता वास्ता नहीं बना, नाश्ता बनेगा लेट से। बने रहिए ब्लॉग में, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हम जा रहे हैं अब ड्यूटी, उधर ही बाहर में नाश्ता कर लेंगे। बृहस्पत घर में फास्टिंग करती है डॉली, तो इसीलिए सब साफ सफाई कर रही है, मछली वाला बर्तन है किचन, इसलिए इसीलिए डॉली सब साफ कर रही है। देखो इधर गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद फिर
आते हैं दोपहर में तो फिर मिलते हैं। परी आग जला के सेक रही है। बोलो परी क्या कर रही हो? एसकेजी वाले बच्चों, एसकेजी वाले बच्चों, हाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं। पढ़ो लेकिन आवाज मत करना। हाँ मोबाइल मत, अरे फोन आ रहा है किसी का। हाँ अरे वो मेरा फोन था। ठीक है गाइस, तो परी की गुड़िया फुआ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो हम मॉर्निंग में 11 बजे उनको लेकर के हॉस्पिटल चले गए थे और आए हम 2:30 बजे। कुछ प्रॉब्लम था तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, सब कुछ नॉर्मल है। अब वो रेस्ट कर रही हो। मैं परी से आगे मिलने, जब परी को आए तो परी रो रही थी कि मम्मा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। तो परी अभी मेरी खुश है क्योंकि मम्मा आ गई है और इसको मैंने दिया बना के मैगी, तो ये खा भी ली। हे गाइस, तो शाम का टाइम हो रहा था और परी चली गई थी अपनी बुआ के घर पे और आ गई है अभी। और ठंड काफ़ी हमको लग रहा था तो पापा को बोल के पापा आग जला दीजिए, तो आग जला दिए और हम बैठ के सेक रहे थे यहाँ पे। थोड़ा धुआं होना बंद हो जाएगा तो इसको रूम में लेके चले जाएंगे। और ये देखिए परी अपनी बुआ के घर से आ गई है और अभी क्या खा रही हो परी, दिखाओ जरा। परी खा रही है गाइस चिप्स। और आज परी बात की थी अपने मिंटी फुआ से, चीकू लल्ला से सबसे बात की थी और उसको अपना ट्वाइस दिखा रही थी, वो भी अपना ट्वाइस दिखाया। और चीकू पढ़ने चला गया, गुगू पढ़ने चला गया, तो ऐसे बड़ी मिंटी फुआ इतना छोटा बच्चा को कोई ठंडी में पढ़ने के लिए भेजता है? मेरी मम्मा तो नहीं भेजती क्योंकि मेरा स्कूल बंद है ना बेटू। और ये देखिए परी क्या क्या लाई है अपनी फुआ के घर से। वो तुम्हारा खिलौना बुआ के घर पे छूट गया था, इधर दिखाओ, बताओ कहाँ गई थी बेटा? बुआ के घर। बुआ को क्या हो गया है गुड़िया फुआ को? इंजेक्शन लगा हुआ है, इंट्रा किट लगा हुआ है हाथ में, इस हाथ में है ना बेटा? क्या हो गया गुड़िया फुआ को बताओ? क्या हो गया मम्मा? तबीयत खराब हो गया था तो सुई लगा है। वो सुई मैंने ये भेज के दो गुड़िये लाए है, उसको ना दिन के खा लेना, दिन 50-10। ठीक है ना बेटा? सो और ला रही हूँ मदर से। तो भी ठंड काफी ज्यादा लग रहा था, आज रेस्ट भी नहीं कर पाया और एक खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो कल सोचे हस्बैंड के साथ चले जाए डॉक्टर, ब्लॉक हॉस्पिटल, वहाँ दिखवा लेंगे। कमर में भी दर्द है और थोड़ा सा खांसी भी नहीं ठीक हो रहा, तो वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनसे थोड़ा सा दिखवा लेंगे क्या है क्या नहीं वो बता देंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। लाए हैं मेरे लिए एक शॉल, लेकिन नहीं बोल रहे कि परी के लिए आया है क्योंकि देखो हम उठा के दिखा दे। तो ये देखिए गाइस परी ओढ़ ली है अपना शॉल और कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। हाँ अब डॉक्टर के पास जाने वाली हो ना? हाँ कल जाएंगे। हाँ तो वही ओढ़ के जाऊंगी। ठीक हाँ। चलो दादी को दिखाओ कि दादी देखिए मेरे लिए पापा लाए हैं। कैसा है पूछना दादी से। क्या बेटा कैसा लगा? मेरा हाथ में क्या? तू मेरे साथ खाना खा लो, सब्जी टमाटर का चटनी। अभी पापा आए कहाँ हैं? चलो सॉल रख दूँ तो गंदा हो जाएगा। अच्छा है ना? हाँ दे देते स्टिकर। स्टिकर दो को है क्या? नहीं एक ही स्टिकर है, एक शॉल में एक ही स्टिकर होता है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है। कल दादी के लिए भी आएगा। हाँ? दादी के लिए भी आएगा कल, पूछो दादी से। कल दादी भी लाएगी हॉस्पिटल। हाँ पूछो दादी से, दादी को कौन सा कलर चाहिए पूछो, तो जल्दी पूछो, जाओ जाओ पूछ के। पिंक कलर का चाहिए। अच्छा तो दादी के लिए भी पूछ लो कि दादी आपको कौन सा कलर चाहिए। दादी आपको कौन सा कलर का चाहिए? साल आपको कौन सा चाहिए? साल येलो कलर का चाहिए दादी को। और मुझे पिंक कलर वाला। ओके। और मम्मा का ऑरेंज। पापा का तुम बताओ, ब्लू कलर का। और दादा का? दादा का ब्लैक। आज खत्म हो गया, चलो पापा आने वाले, बिछावन सामान थोड़ा झाड़ ले। मम्मी आने
ठीक है, चलो ऊपर चलो। तो गाइज ये देखिए हम लोग खाना वगैरह खा लिए और अभी आ गए हैं सोने के लिए, और मॉस्किटो नेट भी लग चुका है मच्छरदानी। हाँ बेटा, गुस्सा बदमाशी करते हैं बच्चे तो गुस्से हो जाते हैं। सो गाइज सुबह को क्यों डांट रहे हैं? देखो ना, बोलो सुबह को क्यों डांट रहा? वो बदमाशी कर रहा था इसीलिए। सो गाइज आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो प्लीज हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।